नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र से, जहां करंट की चपेट में आने से विवाहिता की मौत हो गई है। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि आजमगढ़ जिले के अतरौलिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 बिरुआपुर निवासी सोदरा पत्नी सुजीत, उम्र 30 वर्ष, आज दोपहर लगभग 2 बजे अपने हैंडपाइप के पास कपड़े धुल रही थी। जैसे ही पानी लेने के लिए हैंडपंप में लगे मोटर को उन्होंने चलाया, उसी दौरान उतरे करंट की चपेट में आ गई। ये देखते ही स्थानीय लोग पहुंच गए और आनन फानन में किसी तरह से लाइट काट कर उसे वहां से हटाया गया। स्थानीय लोगों द्वारा उसे नज़दीकी सौसाया अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के 4 बच्चे हैं, जिनमें बड़ी बेटी रोशनी 12 वर्ष, अंकित 8 वर्ष, अर्पिता 6 वर्ष, आयुष 4 वर्ष के हैं। मृतका का पति सुजीत निषाद जीविकोपार्जन के लिए कहीं बाहर नौकरी करता है। सूचना पाकर थाना प्रभारी रुद्रभान पांडे भी अस्पताल पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस में रखवा दिया। घटना क्या हो गई? अपने औरत नहाने के लिए गई थी, बच्चे को नहला रही थी, अचानक क्या वो मोटर में करंट आया और उसको करंट लगा। बच्चा बाहर चिल्ला रहा था, इसलिए मौके पर हम लोग पहुँचे तो बच्चा चिल्ला रहा था, हम निकाले बच्चे को बाहर, आया तो उसको छुए तो करंट लगा एक आदमी को, फिर उसको लाइट बंद करवा के मेन स्विच, फिर उसको निकाले तो फिर लेके आए अस्पताल में। अस्पताल में जांच हो रही थी सौसैया वाले में, अचानक फिर क्या सामने में आया कि डेथ हो गई। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।